मेरे बहने भाई सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद से अपने खुश होंगे। ये देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कुरसम की फ्रेंड हैं, उनके यहाँ बेबी गर्ल पैदा हुई है, तो उनको मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं, कुरसम की फ्रेंड के घर जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने केक लेना है और उसके बाद कुरसम के लिए कुछ शॉपिंग और फिर कुछ, आज वीकेंड है तो कुछ खाने पीने के लिए बच्चों को आउटिंग करवानी है, तो हम लोग जा रहे हैं। आपको बाहर ये है खेरधामीन और ये है लीशा, माशाल्लाह प्यारी बेटी लीशा, प्यारी बेटी, हाँ प्यारी बेटी लीशा। और कुरसम आप तो इधर आए ना, आप क्यों छुपती हैं? आप लोगों को हम लोगों ने एक बहुत ग्रेट न्यूज़ देनी है, उसके लिए हम लोग अलग व्लॉग बनाएंगे, या इसी व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि क्या वो खुशखबरी है जो हम लोगों ने आपको बताना है, और इनके पापा बताएंगे, जो हर पेरेंट्स के लिए एक बहुत ऑनर की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे बच्चे सारे माशाल्लाह, और अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे आगे और इसी तरह कामयाबियाँ भी दें। ये हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, इसमें पेरेंट्स की खुशी होती है। चलिए हम आप लोग से डिस्कस करेंगे कि वो क्या गुड न्यूज़ है, तो जल्दी बताएंगे, उसके लिए टाइम एडजस्ट करके आप लोगों से। ये अभी फर्स्ट सीक्रेट है, गेस करें आप सब तो क्या हो सकता है। हमारी फैमिली वाले तो ये सब जानते हैं, और कुरसम की और इनकी फ्रेंड्स वगैरह सबको पता है कि वो क्या ग्रेट न्यूज़ है। और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छा लगता है। तो सिंपल आप लोग देख लेते हैं और कोई कमेंट नहीं करते, मेरे ख्याल हर बंदा बिज़ी होता है, तो ये भी हो सकता है मे बी के टाइम ना हो, तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह मोटिवेशन होती है बच्चों की कि आप उनको कमेंट्स करें और उन्हें लाइक करें और इसी तरह। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चलिए अभी आपको बताएंगे। आज ड्राइव निशा करी, वैसे आज मैं भी एक्टिव हूँ, मेरा भी दिल कर रहा है ड्राइविंग करने का, कर लो, लेकिन कभी कभार होता है कि मैं नहीं करती, अक्सर मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ आप ही काम कर लो सारे, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हमारे वाला एरिया बहुत प्यारा है माशाल्लाह, डिस्क्लोज मत करना कि कहाँ रहते हैं। मेरे हमेशा आगे क्रीम है, चॉकलेट है, इसकी क्या प्राइस है? कर देती है वो, क्या कहते हैं, क्या आपने मंगवाया उसे? बबीजी के लिए जो काम नहीं, वो चीज़ जो होती है छड़े नहीं होते, उसको पता है कि मैं जिस तरह बिल्ली को डालती हूँ, उसको 100 रुपया दे देती हूँ। सो गाइस हम आए हैं कुछ शॉपिंग करने, और कुछ न्यू ब्रांड्स हैं हम उनको देखेंगे, थोड़े वेस्टर्न टाइप से हैं, और कुछ सम की शॉपिंग करनी थी, सो वी वर थिंकिंग के विंटर का स्टफ़ अभी ले लेते हैं क्योंकि विंटर्स में सेल भी काफ़ी सारी लगी होंगी।
सो दिस इज़ लुलू सर. रिसेंटली हमें इस ब्रांड का पता चला है, थोड़ा सा डिफरेंट सा स्टाइल है, थोड़ा सा वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न का फ्यूजन भी है इसमें. सो लेट्स सी. सो गाइस, लुलू सर के आपको इस व्लॉग के एंड पे डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगी. अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे लामा पे, और लामा इज़ सो गुड फॉर वेस्टर्न क्लॉथ. लाइक उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अगर सेल पे लगे हों तो इट्स लाइक फैंटास्टिक. दरअसल मैंने भी शॉपिंग करनी, मैंने की नहीं. मैं चाह रही हूँ बड़ी चीज ले लो, उसके बाद ही आगे फ्रंट पे होकर दिखाओ. मेरा कौन कितनी बीच में दिखाओ, कैसे लगाई मैं तो दिखाओ ना. गाइस, वापसी पे इतनी फॉग हो गई थी, लाइक कुछ नज़र नहीं आ रहा था. लाइक अचानक से ना फॉग आई है कहीं से, अदरवाइज इट वाज रियली क्लियर. बट फॉग की वजह से काफ़ी मुश्किल हुई हमें ड्राइविंग करने में एंड घर पहुंचने में. अचानक से ही हुआ था ये सब कुछ. गाइस, ये गेम खेल रही हूँ, और मैं काफ़ी अर्से बाद ये गेम खेल रही हूँ, रोब्लॉक्स. रोब्लॉक्स में ये गेम है फ्री द फैसिलिटी, और मैं अभी क्या कहते बंद हुई हूँ उन्होंने सेविंग में. हम खेलते थे कोरोना के टाइम पे, तो मुझे याद आया कि क्यों ना हम दोबारा खेलें. तो मैं भी दिल्ला के साथ ही खेल रही हूँ. इट्स लाइक एन ऑनलाइन गेम, एंड आई विल शो यू मैं कैसे बन रही हूँ. दिस इज मी एंड ओन सेविंग मी. मैं डेड हो गई हूँ. दिल्ला बचाओ, क्या दिल्ला मुझे बचाओ, भागो भागो भागो. ओह नो, मेरी तो लाइफ भी नहीं है. यू कैन सी, देखो दिल्ला भी गया. I'm frozen. Oh bad. Dula mere ko chhod gaya. I'll show you. Main ko spectate bhi kar sakti hu. Ye hamara pet beast hota hai. दिल्ला को किसी ने बचाया ही नहीं, बेचारा दिल्ला. ये रहा दिल्ला, कैद हुआ. ये देखिए बेचारा, ये मिस्टर बीस्ट है. और थ्री सर्वाइवर्स को देखते हैं. अच्छा जी, इस बंदी ने मुझे बचाया नहीं. हूएवर शी इज, मुझे समझ है. और बस एक ही बची रही है आई थिंक. देयर शी इज, इसको अब मैं नहीं बचाऊंगी. हेलो गाइस, तो आज मैं आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरा है. पापा मामा नहीं है बिकॉज वो गए हुए हैं कहीं, एंड वी माइट बी स्टेइंग टुनाइट विदाउट देम. मैं हूँ और मेरी बहनें. तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि मामा नहीं थी और सारा काम मुझे करना पड़ा था. सुबह को मैं उठी हूँ, आई वॉज थिंकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट कि मम्मा नहीं है तो मैं क्या क्या बनाऊँ. तो मैंने तवा आलू बनाए थे, एंड दे वर सो यम्मी. बहुत क्विक थे, बहुत इजी मतलब रेसिपी है. तो शायद मैंने पहले भी व्लॉग्स में बनाया होगा, हाँ मैंने दिखाया था आपको. तो मैंने वो बनाए थे, दैन मैंने बर्तन धोए, एंड देन आई वॉज लाइक कि मुझे सारा घर साफ़ करना है तो मैंने वो किया. फिर मुझे ये भी था कि धूप निकली हुई है तो कपड़े भी टांग आती हूँ, तो मैंने वो भी किए. बट फिर भी मतलब सूखे नहीं क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है. मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि मेरा कैमरा शेक कर रहा होता है और मेरे से पकड़ा नहीं जाता है. तो कल आई माइट गो आउटसाइड, कहीं जाएंगे, इस्लामाबाद घूमेंगे. बस नौ घूमने का तो नहीं है, कुर्सन का काम है, तो उसके सिलसिले में मुझे भी साथ जाना पड़ा क्योंकि घर में कोई नहीं है. तो बस मैं और कुर्सन खिरत कल जाएंगे, इट्स लाइक ए गर्ल्स डे आउट. एंड उसके बाद हम जिमन को भी पिक करेंगे, और फिर शायद किसी रेस्टोरेंट या पता नहीं क्या प्लान है, इन्हीं को पता, वहाँ जाएंगे. आजकल इतनी ठंड है कि सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, एंड मेरा काफ़ी दिल था कि मैं इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ और व्लॉग में डालूँ. बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विंटर और थोड़ी ठंड थी, और मैं काम में मतलब मैं जल्दी जल्दी लगी थी, जल्दी जल्दी से काम हो जाए ना, तो उसमें मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया. आई हैव बिकम सो लेज़ी कि मैं मोबाइल उठाऊँ, जस्ट कैमरा ऑन करूँ और व्लॉग बनाऊँ. लाइक इट डिपेंड्स ऑन माई मूड नाउ, और ये बहुत बुरी बात है. दिस शुडंट बी हैपनिंग कि मैं अपने मूड के हिसाब से व्लॉग बनाऊँ.
सो गाइस डिनर का वक्त है एंड आई वाज थिंकिंग कि हमें क्या बनाऊं, लाइक घर में कुछ है नहीं और कुछ क्विक सा इजी सा बना देना चाहिए बिकॉज खिलत कुरसम भी हैं और हमने खाना भी खाना था, कि मैं चिकन वाइट हांडी बनाऊं। तो मैंने पहले बनाया हुआ था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ मैं बना सकती हूँ। सो मैंने कहा कि चलो बस प्रिपरेशन करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स लाते हैं एंड योगर्ट के अंदर सारे मसाले डाले एंड आई वाज लाइक बनाते हैं, कुछ ना तो कुछ अच्छा बन ही जाएगा बिकॉज आई वांट टू ट्राई इट ना कि कैसा सब कुछ गुजरता है। सो यहाँ पे चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड पड़ा था एंड आई जस्ट कट इट इनटू लिटिल पीसेज एंड आई वाज थिंकिंग कि कैसे काटूँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सो मैंने कहा बस अपने दिल से जैसा होता है वैसे काट देते हैं एंड देखे मैंने कर ही लिया, लाइक मैंने फर्स्ट स्टेप उठा ही लिया। मैंने कहा चलिए इसको फ्राई करते हैं जल्दी जल्दी से मसाले डाल के एंड आई वाज सो मतलब सरप्राइज के बहुत स्मूथली जा रहा था सारा काम। द बेस्ट पार्ट अबाउट मेकिंग दिस डिश इज एडिंग द योगर्ट एंड क्रीम। जब हम क्रीम एंड योगर्ट डालते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। एंड टडा माय डिश तैयार है। प्लीज़ इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, जैसे दिख रही है वैसी नहीं है, बहुत बहुत अच्छी ही बनी थी, लाइक बहुत अच्छा सालन मैंने बनाया था, इट वाज सो यमी। मैंने खिरत को भी दिया, कुरसम को भी दिया एंड दे वर लाइक तुमने बहुत अच्छा बनाया है। सो आई वाज कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक चलो अच्छा हो गया, काम हमने कर ही लिया। गाइस मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, ऋषि मेरी आवाज़ आ गई होगी। अच्छा जी, और ये खिरत रोटियाँ बनाती हुई, ये इसने मेरे लिए रोटी बनाई है, लेट्स सी कैसी है खिरत। और ये जम्मू साइज क्या, इसको रोटी कहते हैं, रेगुलर गैलेक्सी लग रही है खिरत रोटी। मुझे पता लगा तुम्हारे हाथ आ रहे हैं, डो मुझे नहीं खाना आनी बनेगी फिर। मैं बस अपना काम करके अभी फारी गई हूँ, सुबह से बर्तन धो रही हूँ, मैं बचा रही हूँ अपने आप पे बचा रही कह रही हूँ। तो ये बर्तन धुले हुए हैं, हाँ वो तो है, अब समझ आ रही मम्मा कितना काम करती हैं। लाइक बंदा नाश्ता बनाए ना उसके बाद बंदा थक जाता है, उसका डिनर तक ना बिल्कुल हालत गैर हो जाती है। कुछ नहीं से बात करिए, कुछ जिमिन से बात कर रही होगी। तो चलो तुम्हारी रोटी चेक करते हैं, और ये मेरा सालन, लेट्स ट्राई योर रोटी। तुम व्लॉग मोड में होती है, मैं समझ आ जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, नॉट बैड, नॉट बैड, इट्स टू गुड। ओके जो सॉस ऊपर ये ज़्यादा नहीं होंगे क्या, तुम नहीं कहा था बड़ी रोटी बनाना। मम्मी का मक्खन पड़ा, ये दिल है, ओके दिल से आपकी रोटियां देखी तुमने, यहाँ से काट के दिल होता है। पानी तैर रहा बीच में, पानी नहीं, पेट दर्द कर गया, ये पराठा बन रहा है ऐसे देखिए। कुरसुम कुरसुम देखकर कहती है शेप को देखी कि मुझे गोल रोटी ही चाहिए, तो आगे से खिरत ने जो रिएक्शन दिया, कुरसुम कहती है मुझे गोल रोटी ही चाहिए, तो खिरत कहती है आओ मैं तो बताती हूँ। तो जी कमरे की हालत ख़राब है, अभी सुबह को मैं उठूंगी तैयार होंगी, कमरे की हालत ख़राब है बाबा कमरा, उठूंगी सुबह तैयार होंगी, बर्तन धोऊंगी और ये सब कुछ सेट करके जाऊंगी। खिरत ना रेयरली व्लॉग में आती है, समटाइम्स इसका दिल चाहता है और फिर खुद ही आ जाती है, समटाइम्स कहती है कि मेरी शक्ल तक ना आए, समटाइम्स शी प्रूव्स बट समटाइम्स शी डजंट। माय एपिक इज लाइक मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, यस और समेटा मुझे कुछ बेटा कंफर्म सारा दिन मुझ कहते लगाती रही है, ये है ना कि मेरे साथ ये जुलम कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, जबकि इन केस ना ये छोटे जो होते हैं ना इनके साथ कुछ नहीं ऐसा होता, बड़े मौज मस्ती में होते हैं।
सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे और ऑरेंजेस आए हुए थे तो मम्मा ने कहा ऑरेंजेस काफ़ी सारे पड़े हैं इससे पहले कोई ख़राब हो जाए तो तुम उनका जूस बना लो. सो दिस इज़ द जूस की मशीन. सो मैंने कहा ठीक है मैंने जल्दी से ऑरेंजेस धोए एंड जूस बना रही हूँ. सो गाइज मैंने सारे ऑरेंजेस धो दिए थे एंड अब मैं इनको काटूंगी हाफ कर दूंगी. देखिएगा 1, 2 and 3 चला. सो गाइस इन सब ऑरेंजेस का सिर्फ मतलब एक जग ही जूस निकला था. सो सबको मैंने दे दिया था मम्मा को दिया था एंड खुद भी थोड़ा सा लिया था बिकॉज दे वर स्वीट. सो अच्छा था वरना तो गला ख़राब हो जाता है अगर खट्टे ऑरेंजेस हो तो. हेलो गाइस तो आज मैं जा रही हूँ मम्मा के साथ शॉपिंग पे. मम्मा को जाना था लुलू सार पे बिकॉज शी रियली लाइक्ड इट. तो उसे डिफरेंट स्टाइल उस ब्रांड का. सो वी आर गोइंग देयर नाउ एंड रियरली होता है कि मम्मा को मतलब दिल करता है कि हम खुद जाते हैं. सो इट्स जस्ट गोना बी मी एंड मम्मा एंड इट्स गोना बी फन अलॉट. सो हियर आई एम वेटिंग फॉर देम. इस दफ़ा वो लेट है मैं नहीं हूँ. वैसे तो यूजली हमेशा मैं ही लेट होती हूँ बट दिस टाइम मम्मा इज़ लेट. निकलते निकलते हमें कोई हो गए हैं आई गेस 6 होने वाले हैं यार. सुबह का सोचा निकलेंगे. यू सी गाइस मैं जितना भी मतलब ड्राइव कर लूँ ना लाइक मुझे जितने भी साल हो गए मम्मा स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. शी इज़ लाइक नहीं 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 अभी नहीं अभी तो तुम्हारी ड्राइविंग इतनी अच्छी नहीं है तुम बहुत तेज चलाती हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई रियली वॉन्ट टू शो यार मैं चलाती हूँ यार. आई हैव द कॉन्फिडेंस हो कि मैं इतने अरसे से चला रही हूँ. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से आज तक ना मतलब मेरा कुछ ऐसा हुआ नहीं कि मैंने कहीं गाड़ी लगा दी हो या कुछ इस तरह हो. तो मैं काफ़ी एहतियात से चलाती हूँ बट नो वन बिलीव्स मी द सैड लाइफ ऑफ मी नो वन बिलीव्स मी. सो रिसेंटली मेरा रिजल्ट आया था एंड आई वाज सो हैप्पी. लाइक मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था यार कि मेरा रिजल्ट है बिकॉज काफ़ी साल से ना आई वाज हैविंग कि मैं अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट मेरा नहीं था. तो आई रियली वांटेड दैट टू हैपन कि जिस तरह मैं अपनी एफर्ट्स पुट करती हूँ उसी के हिसाब से मेरा रिजल्ट आता हो तो मुझे खुशी हो. बट ऐसा होता नहीं था हमेशा मतलब बस थोड़ा सा डाउन ही आता था जितनी मेरी एफर्ट्स उसमें डाली होती थी. सो दिस टाइम इट वॉज रियली लाइक मुझे यकीन नहीं आया कि ये मेरा रिजल्ट है बिकॉज मुझे खुद नहीं इतना था कि शायद मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आ सकता है बिकॉज यू नो इतने अरसे से फेलियर हो तो आपको लगता है कि शायद अब हो ही नहीं सकता इस तरह. तो आई वॉज रियली हैप्पी विद माई रिजल्ट दिस टाइम. तो आई होप आगे से भी इसी तरह का मेरा रिजल्ट हो. मैं अपनी एफर्ट्स तो पुट करूँगी एंड विल सी कि फिर किस तरह होता है. सो जी हम पहुँच के लुलू सार का ब्रांड पे और मैं इसको आपको रिव्यू दूंगी. द थिंग इज़ पहली नज़र में इट वॉज़ रियली फैसिनेटिंग. सारे इसके डिज़ाइंस बहुत ही यूनिक से और फ्लोरल से टाइप से थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. मतलब दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखें. बट द थिंग इज़ कोई भी इन चीज़ से पूछते थे इनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं होते थे. सेकेंड थिंग इज़ इनकी एक से एक ट्राउज़र भी ना 7,000 का था. लाइक इफ़ यू आर गोना बाय टू पीस तो आई थिंक वो आपको कोई 18,000 या 17,000 का पड़ेगा विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर everyone. तो मेरे मम्मा ने तो एक नज़र बस देखा और मम्मा को जो भी पसंद आया था उनके पास तो वैसी साइजेस नहीं थे. सो वी सेड कि हम कहीं और चलते हैं कहीं और से देख लेते हैं. तो आप इकोनॉमिकल ब्रांड्स देखें तो वो ज़्यादा ही बेहतर रहता है. अच्छे तो थे बट नॉट सूटेबल फॉर एवरी वन एज अ सेड. सो वी वेंट इनटू निशात लिनन विच वॉज रियली रियली गुड क्योंकि उनके सेल भी लगी थी. विंटर का स्टफ़ भी उनके सेल पे था तो मैंने भी उसमें से काफ़ी लिए. और मम्मा फिर एथनिक में गई हैं. एथनिक में भी बहुत सारी वैरायटी थी तो हमारी शॉपिंग कह लें काफ़ी अच्छी गुजरी थी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
और ये है निशा। हम लोग रात को जा रहे हैं दोनों माँ बेटी के लिए। हम शॉपिंग करने गए हुए थे और बहुत तेज बारिश है और रात का टाइम है 10 बजे। मुझे बहुत डर भी बहुत लग रहा है। मैं कह रही हूँ लीशा, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ रात के टाइम। लीशा हम कहाँ पहुँच गए? मैं कहती हूँ नहीं सब ठीक है, डोंट वरी। तो कुछ एक तो नज़र नहीं आ रहा, बारिश भी बहुत तेज़ है, बस हमारे गला में बहुत है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ये देखें कितनी बारिश हो रही है और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमारे घर रोड से जा रहे हैं, रात का टाइम है। मुझे रात को बहुत डर लगता है और ये हमारा खाना पड़ा है। दूसरी छोटी कड़ी लेकर आए हैं कि रात कि हम दोनों इजीली बस वो इससे सफ़र हो जाएगा। मैंने रिक्शा से कहा था कि रिक्शा प्लीज़ आप अंदर अंदर ही शॉपिंग कर लेते। रिक्शा ने कहा था नहीं सा से होकर आ रहे हम, रात का 10 बजा हुआ है। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा को इतना मिस कर रही थी, बाबा के साथ आना चाहिए था। क्यों भाई मेरे साथ क्यों नहीं? तो मिस कर आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो अगर आप चाहो। बहुत डर लगता है, मैं इनके फादर के बगैर जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है उनके साथ। मुझे कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि साथ कोई वो है और महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ से कुछ नहीं है, मैं खुद ही सेफ फील महसूस होता है। मैं गली पता नहीं अभी तक मुझे ये आदत नहीं है, मैं निकल नहीं सकती। वो डर बहुत फंसता है, ऐसा देख रही है इसकी लाइट, पता ही नहीं ये लाइट है। हाँ देखिए तो था, शुक्र है बारिश तो हुई ना, क्योंकि लीशे में डर लग गया। डर क्यों नहीं है? आहिस्ता करो बिल्कुल, ये तो लाइटें भी आज नहीं जानी है। मुझे डर लगता है। ये देखिए गाड़ी की माशाल्लाह, देखिए उसकी लाइट चेक करो, मेरी लाइट चेक करो। चले अब आप दूसरी की नई वाली गाड़ी यूज़ किया करें, वो आप वो ऑटोमेटिक है तो वो आपके लिए इजी रहता है। देखिए रिवर्स कितना अंधेरा है, तो पता नहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। मेरी बात यहाँ हमें बहुत कम नज़र आ रहा है। हमने शॉपिंग की है और बस मुझे तो कुछ इतना अच्छा पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तो सारे बस सीज़न के कपड़े निकल चुके हैं और गर्मियों के आ रहे हैं। अब वो भी सीज़न है, जैसे मीट होता है ना, गर्मी होती है ना सर्दी, आगे वही मौसम आने वाला है, तो इसमें इतनी वैरायटी नहीं होती। तो मैंने तो सीज़न के हिसाब से इनको लेने थे कि मैंने गाँव जाना है, तो चलो उसके लिए मैं कुछ एक दो सूट ले लूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मेरे कैजुअल वेयर ख़त्म हो चुके हैं। एक लीशी को लेकर दिया मैंने, कहा आप पसंद करो, उसमें एक ही पसंद आया और एक ही रहता। मैं घर जाके आपको दिखाऊँगी और ये रास्ता देखिए आप, डर लगता है। आगे तोजो दें, बारिश में हमेशा गाड़ी नीचे आहिस्ता चलाने चाहिए। पहली बड़ी आहिस्ता चल रही है बारिश हो गई है। हम घर आराम से पहुंच गए थे, अल्लाह का शुक्र है, और अचानक से बारिश हो गई थी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं वेदर देख के भी गई थी लेकिन उसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा था, तो अचानक से बारिश हुई थी एंड वी लाइक ये क्या हो गया है। बट हम थोड़े से लेट भी हो गए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह से हम आराम से घर पहुंच गए थे। तो मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, अगर अच्छे लगते तो यार लाजमी सब्सक्राइब तो कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड अल्लाह हाफिज़।